Hello students, this is a depreciation class and we are on lecture 5. हम practical question solve कर रहे हैं depreciation के, right? So, इस illustration 7 में हमको book value of machinery determine करनी है. मतलब important जो चीज है वो है calculation of book value. ठीक है, चलिए start करते हैं question. सो बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2020 हमें दिया हुआ है मशीनरी अकाउंट का 5 लाख रुपीज, राइट. और क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं दिया है, हम इसे WDV मानेंगे, लाइक बुक वैल्यू, राइट. नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट 20% पर एनम बाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. ठीक है, पार्ट ऑफ मशीनरी हुज बुक वैल्यू वॉज 1 लाख रुपीज ऑन 1 दिसंबर 2020 वॉज सोल्ड ऑन 1 अक्टूबर 2021 फॉर 80,000 रुपीज. ठीक है, वापस पढ़िए क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक मशीन थी जी, ठीक है, जो इसमें इंक्लूडेड है, जिसकी बुक वैल्यू थी 1 लाख रुपए. कब उसकी बुक वैल्यू 1 लाख रुपए 1 दिसंबर 2020 को थी. एक बार वापस देखिए, क्वेश्चन में हमको बैलेंस कब के दिए हुए हैं, 1 अप्रैल 2020 के. इसका मतलब जो ये वैल्यू है और ये वैल्यू है, राइट, वो उसमें अप्रैल से दिसंबर तक का गैप है. समझ में आई बात? दूसरे शब्दों में कहूं तो हमको जो मशीन सेल हुई है उसकी बुक वैल्यू कब की दी हुई है, 1 दिसंबर 2020, 1 लाख रुपए. बट जो क्वेश्चन है वो हमको बोलता है 1 अप्रैल 2020 की बुक वैल्यू 5 लाख रुपीज. अप्रैल से दिसंबर में कितना टाइम है? अप्रैल से नवंबर में, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर. मतलब जो ये 1 लाख रुपए है उसमें 8 महीने का डेप्रिसिएशन लगने के बाद ये 1 लाख रुपए आया है. समझ में आ रही है बात? क्योंकि यहां जो बुक वैल्यू है 1 अप्रैल की है, बट ये जो बुक वैल्यू है वो 1 दिसंबर की है. मतलब 1 लाख रुपए में जो 1 लाख रुपए आया है वो इसमें से जो वैल्यू थी इस मशीन की उसमें 8 महीने का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आया है 1 लाख रुपए. ठीक है, तो हमको बैक कैलकुलेशन करके ये जानना पड़ेगा कि इस 5 लाख में ये जो मशीन सेल हुई है उसका कितना बुक वैल्यू इंक्लूड है. समझ में आई बात? चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नहीं समझ में आई होगी तो समझ में आ जाएगा. ठीक है, बस यही एक ट्रिक है और ये काफी अच्छा है, ट्रिक है या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम लेवल का है, आने के चांसेस है. चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करते हैं. सबसे पहले लिखते हैं, हमको सबसे पहले तो याद रखिए हमको बैक कैलकुलेशन करके 1 अप्रैल में जाना है. हम है 1 दिसंबर में 1 लाख रुपए के साथ, हमको 1 अप्रैल में जाना है और जाननी है कि इसकी कितनी वैल्यू होती अगर इसका 1 अप्रैल को बुक वैल्यू होता तो कितना होता. ठीक है, सो चलिए बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी सोल्ड. ठीक है, सो बुक वैल्यू ऑन 1 दिसंबर 2020 कितना है बताइए. 1 दिसंबर 2020 को उसका बुक वैल्यू 1 लाख रुपए, राइट. हम बैक कैलकुलेशन कर रहे हैं तो एड डेप्रिसिएशन फॉर 8 मंथ्स, राइट, फ्रॉम एपी अप्रैल 20 टू नवंबर 20. हम है 1 दिसंबर में तो हम बैक कैलकुलेशन करें कि अप्रैल 20 से नवंबर 20 का डेप्रिसिएशन क्या है. जो भी आएगा उसको हम ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2020. याद रखिए कि हम ये कैलकुलेट क्यों करते हैं, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से है, राइट. So, अगर आपको 1 दिसंबर का बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इसमें
हाफ या सॉरी 4 मंथ्स का इस वैल्यू के ऊपर 20% कैलकुलेट करके 31 मार्च 2020 में नहीं आ सकते हो। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या हुआ होगा, जो ओपनिंग बैलेंस होगा उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, राइट। बट हमको इन्फॉर्मेशन है वो आधी दी गई है, हमको बोला गया है कि दिसंबर का मैं आपको बुक वैल्यू देता हूं और मेरे को ये बताओ कि इस मशीन को सेल करने में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। तो आप इस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते हो क्योंकि ये मिड टर्म का है। मुझे 1 अप्रैल की वैल्यू जाननी पड़ेगी बुक वैल्यू, तब मैं उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता हूँ, ठीक है। हम चलो कंपेयर करके भी देखेंगे कि अगर ऐसा करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। बट हम डेप्रिसिएशन ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं बिल्कुल। बट चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर सपोज किसी मशीन की बुक वैल्यू 1 अप्रैल 2020 को 200 रुपये होती, सो उसमें 8 महीने का डेप्रिसिएशन कितना होता? कितना होता उसमें 8 महीने का डेप्रिसिएशन? दिस मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 12। यहां तक समझ में आया कि अगर 1 अप्रैल 2020 को किसी मशीन की वैल्यू 200 रुपये होती, सो 8 महीने का डेप्रिसिएशन 26.667 लगता, बरोबर है। सो उसका WDV क्या होता? ऑब्वियसली दिस माइनस दिस, क्या ये सही है? 173 रुपीज होता, करेक्ट है ना। सो सिमिलरली मुझे ये नहीं दिया गया है कि इसकी 1 अप्रैल 20 को क्या वैल्यू है, ये मेरे को नहीं पता है। मीन्स मेरे को 200 रुपये नहीं पता है, बट मुझे 173 रुपये पता है, जिसका इक्विवेलेंट अमाउंट है 1 लाख रुपये, बरोबर है। अगर 1 अप्रैल को 200 रुपये होती और 8 महीने के डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद उसका WDV या बुक वैल्यू 1 दिसंबर 2020 को 173 रुपये होता, सो मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि 1 दिसंबर को उसका WDV 1 लाख रुपये है। सो क्या मैं इस 1 लाख रुपये से यहां तक पहुंच सकता हूं, ये वाले तक? इस 1 लाख से मुझे यहां तक पहुंचना है विद द हेल्प ऑफ दिस। सो हम मैं क्या बोलूंगा कि अगर 1 लाख रुपए 173.33333 के बराबर है, सो 200 रुपए के बराबर कितना होगा, ठीक है, करेक्ट है। इज इक्वल टू 100000 डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय 200, 115384। इसका मतलब है कि इसकी बुक वैल्यू 1 अप्रैल 2020 को 115385 थी। तो इसका डेप्रिसिएशन कितना हुआ? इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, बरोबर है। चलिए एक बार टेस्ट कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर इसकी वैल्यू 115385 थी तो इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 12, सो आता इतना। सो इसकी बुक वैल्यू कितनी होती है 8 महीने के बाद? 1 लाख रुपए, जो कि हमारा आ रहा है। कैलकुलेशन समझ में आया? हमने क्या किया, ये मान लिया कि अगर 200 रुपये पहले होता और डेप्रिसिएशन 20 तक का 8 महीने के लिए चार्ज होता तो WDV कितना होता? इस WDV को इक्विवेलेंट मान लिया 1 लाख के, और हमने 1 लाख को 173 से डिवाइड करके 200 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमको आ गया WDV 1,15,385 रुपये। इसका मतलब ये जो 5 लाख रुपए है उसमें इस मशीन का जो सेल हुई है उसका 1,15,385 रुपये है, बरोबर, ठीक है। चलिए इस एग्जाम्पल को मैं कर देता हूं डिलीट, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन हो गया है, ठीक है। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं गेन और लॉस। सो गेन लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, बुक वैल्यू एज ऑन
1 अप्रैल 2020। अब हमको समझ में पता चल गया कि बुक वैल्यू कितनी थी इसकी, 1,15,385 रुपये, लेस डेप्रिसिएशन। कौन से साल के लिए? 2020 2021 के लिए पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि सेल कब हो रही है? 1 अक्टूबर 2021 को। सिर्फ हमें वर्किंग के लिए बैक कैलकुलेशन करना पड़ा 8 महीने का यूज करके, क्योंकि हमको जो बुक वैल्यू है वो क्वेश्चन ने मीड ऑफ द ईयर की दी। ठीक है, सो पूरे साल का डेप्रिसिएशन 20% का कितना आता है? इतना WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2021, राइट। फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करो आप। डेप्रिसिएशन 21-22 के लिए, बट कितने महीने के लिए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सेल कब हुआ ये? 1 अक्टूबर को, तो सितंबर तक इसमें डेप्रिसिएशन लगेगा। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ। कितना है बताइए जरा? डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, 9,230। ठीक है, सो बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल, ठीक है, लेस, हमको पता चल गया कि जिस दिन सेल हुई, दैट इज 1 अक्टूबर 2021 को, उसकी बुक वैल्यू थी 83,077। सो सेल प्रोसीड्स है 80,000, राइट। सो गेन और लॉस बताइए मुझे। ये है लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 83,000 माइनस 80,000, 3,000 का हमको लॉस हुआ। ठीक है, बाकी मशीनरी अकाउंट में कुछ नहीं रखा हुआ है, आपको बनाना ऑलरेडी आता है। इंपॉर्टेंट यही है कि हमने बैक कैलकुलेशन करके 1 लाख से हम पहुंचे 1,15,000 तक। उसका कैलकुलेशन मैं फिर से एक बार बता दूं, जब आपको बैक कैलकुलेशन करना है, द बेस्ट मेथड इज, ये आप सोच लीजिए कि जो उसकी ग्रॉस वैल्यू थी, दैट इज अ ग्रॉस वैल्यू, ठीक है। सो अगर ग्रॉस वैल्यू 200 रुपये या 100 रुपये थी, मान लीजिए ग्रॉस वैल्यू 100 रुपये थी, और उसमें 20% का डेप्रिसिएशन लगा 8 महीने के लिए, तो सपोज मान लेते हैं 12 रुपये लगा, सपोज, ठीक है। सो इसका रिमेनिंग अमाउंट कितना आया? 88 रुपीज। तो जस्ट करना क्या है आपको कि 88 1 लाख के बराबर है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी? सो डिवाइडेड क्या हो जाएगा? 1 लाख डिवाइडेड बाय 88 मल्टीप्लाई बाय 100, बस इतना आसान है। समझ में आया कैलकुलेशन? चलिए, मशीनरी अकाउंट तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, अब इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको इसके आंसर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपके क्वेश्चन एज वेल एज आंसर दोनों आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिपरेशन ऑफ एसेट डिस्पोजल अकाउंट, हमने थ्योरी क्लास में पढ़ा था एसेट डिस्पोजल अकाउंट, इसमें कुछ नहीं रखा है। एसेट डिस्पोजल अकाउंट में क्या होता है? इन जनरल आप जब मशीन में सेल करते हो, तो चलिए देखते हैं पिछला क्वेश्चन है क्या हमारे पास। यस, जो हमने 6th क्वेश्चन डिस्कस किया था, उस पे हमने जब मशीन सेल की थी, तो सारी एंट्रीज जो है, डेप्रिसिएशन, बैंक अकाउंट, सेल प्रोसीड जो है या लॉस है, वो हमने मशीनरी अकाउंट में ही दिखा दी थी। ठीक है, बट अगर आप एसेट डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन करते हो, सो सिंपल यहां पर इसकी जगह एक एंट्री पास होगी, जो उसकी बुक वैल्यू या कॉस्ट है, ठीक है, उसकी जो कॉस्ट है वो चली जाएगी एसेट डिस्पोजल अकाउंट में, और वहां ये सब एंट्रीज पास होंगी। डेप्रिसिएशन की एंट्री पास होगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, और सेल प्रोसीड वगैरह की एंट्री सब एसेट डिस्पोजल अकाउंट में पास होती है, इंस्टीड ऑफ पासिंग इन द मशीनरी अकाउंट। ठीक है, चलिए फिर भी एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं इसका, तो थोड़ा समझ में आ जाएगा अच्छे से। सो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलता है मशीनरी की वैल्यू है, कॉस्ट दी हुई है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसका मतलब है
ये जो है ये कॉस्ट है, ये बुक वैल्यू नहीं है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 1,50,000, 20% पर एनम बाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, पार्ट ऑफ मशीन हुज कॉस्ट ऑन 1 अप्रैल 19, मतलब 2 साल पहले 1 लाख था, उसको हमने अक्टूबर 21 में 80,000 में सेल कर दिया। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। हमें क्या बनाने के लिए बोला हुआ है? मशीनरी अकाउंट बोला है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एसेट डिस्पोजल अकाउंट। चलिए सबसे पहले हम वर्किंग कर लेते हैं। गेन लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, इससे काफी हेल्प मिलता है, हमारे पास गेन लॉस ऑलरेडी निकला हुआ रहता है, सो काफी इजी होता है मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए। आप चाहे तो बाद में भी कर सकते हैं इसे, बट रिकमेंडेड है पहले कर लीजिए। तो कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन 1 अप्रैल 19 कितना है बताइए? 1 लाख रुपीस। डेप्रिसिएशन सबसे पहले 1920, हमने परचेज कब की थी? 1 अप्रैल 2019 में, तो हर साल पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, सो इसमें कोई कैच नहीं है। जस्ट इसमें मल्टीप्लाई बाय 0.2, WDV एज ऑन 31 मार्च 20। काफी आसान क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, अगेन डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे 2020 और 2021 के लिए, बट इसको सेल कब किया ये देख लीजिए, जस्ट अक्टूबर 21, सो 21 22 में सेल किया, तो इस साल भी पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा और WDV भी कैलकुलेट होगा 21 का, दिस माइनस दिस। अब रुक जाइए, हम चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन 21 22 के लिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, कब हमने बेची? 1 अक्टूबर को, सो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने का डेप्रिसिएशन और लिखेगा, राइट? सो डेप्रिसिएशन इसमें लिख लीजिए 6 मंथ्स, कैलकुलेट कीजिए 6 महीने का डेप्रिसिएशन, दिस मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, 6,400 रुपये। तो इसकी WDV कितनी आ गई, या बुक वैल्यू, बुक वैल्यू ऑन एज ऑन द डेट ऑफ सेल, जिस दिन सेल किए उस दिन बुक वैल्यू इसकी इतनी थी। सेल प्रोसीड 80,000 है, राइट? सो हमको गेन हुआ 22,400 का हमको गेन हुआ सेल करने से। ठीक है, चलिए अब जल्दी जल्दी से मशीन अकाउंट बना लेते हैं। सो 1 अप्रैल का बैलेंस है, तो हमें 2019 में नहीं जाना है, हमें 21 से स्टार्ट करना है। सो 1 अप्रैल 21 को था, मशीनरी अकाउंट ले रहे हैं हम, सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना अमाउंट था? 5 लाख रुपीज। ठीक है, हमने कब सेल किया ये मशीन को? 1 अक्टूबर 21 को, सो 1 अक्टूबर 21 को बाय। बताइए क्या होगा? इन जनरल जब हम डेप्रिसिएशन इसमें चार्ज करते हैं डायरेक्ट मशीनरी अकाउंट में, तो यहां डेप्रिसिएशन की एंट्री आती है, ठीक है, साथ ही साथ यहां पर आती है सेल बैंक में जो पैसा मिला है उसकी एंट्री आती है, और गेन या लॉस की एंट्री आती है। बट इस क्वेश्चन में हमें, क्योंकि उसने एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाने के लिए बोला हुआ है, यहां पर से इसकी जो कॉस्ट है वो यहां से उठ के हट जाएगी, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में चली जाएगी। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, साइमल्टेनियसली हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी बना लेते हैं। ठीक है,
ये है एसेट डिस्पोजल अकाउंट और ये है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसमें भी ओपनिंग बैलेंस है कितना है बताइए, इसका ओपनिंग बैलेंस 1,50,000। ठीक है, चलिए। तो 1 अक्टूबर को हमने मशीन सेल की, ठीक है, और क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन होता है, सो ये 1 लाख हमेशा से इस मशीनरी अकाउंट में 1 लाख की कॉस्ट में ही कैरी फॉरवर्ड हुआ है। सो जब भी हम ट्रांसफर करेंगे, हमको इस मशीनरी अकाउंट से 1 लाख रुपए निकालना है। समझ में आई बात? क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन हो रहा है, मशीनरी अकाउंट में हमेशा से इसकी कॉस्ट ही ब्रॉट फॉरवर्ड हो रही होगी, राइट? तो जब हम इस मशीनरी अकाउंट से उसकी मशीन की कॉस्ट को निकालना है, सो हमें 1 लाख रुपीज निकालना पड़ेगा, चाहे भले इसकी कॉस्ट 2019 में 1 लाख थी, अभी भी 2021 में भी इस मशीनरी अकाउंट में इसकी वैल्यू 1 लाख ही है, क्योंकि इसका डेप्रिसिएशन इस यहां पर क्यूमुलेट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, मशीन ट्रांसफर के एंट्री बताइए मुझे। मशीन ट्रांसफर के एंट्री क्या होगी? एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, राइट? सो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय एसेट डिस्पोजल अकाउंट। कितनी वैल्यू आएगी? 1 लाख, करेक्ट। और बाकी जो वैल्यू है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। कितना? 4 लाख। और यहां पर 1 अप्रैल 2022 को आएगा बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 4 लाख रुपीज। बहुत इजी है, क्योंकि हम जो डेप्रिसिएशन है उसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में एक्यूमुलेट कर रहे हैं, इसीलिए यहां पर सिर्फ कॉस्ट ट्रांसफर होते रहता है। ठीक है, नाउ 1 अप्रैल 2021 को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस था 1,50,000, राइट? हमने यहां पर आइडेंटिफाई किया कि उसके बाद हमने 6 महीने का डेप्रिसिएशन और चार्ज किया है 6,400 रुपए। ठीक है, सो ये डेप्रिसिएशन भी इस अकाउंट में चार्ज कर देते हैं। ठीक है, सो डेट बताइए, कब की डेट है? अक्टूबर 21 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 6,400, राइट? और इस मशीन की जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है इंक्लूडिंग दिस 6,400, हमें उसे डालना पड़ेगा एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। ठीक है, सो उसकी एंट्री बताइए क्या पास होगी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, राइट? इसका मतलब है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अमाउंट बताइए मुझे। हमने यहां पर आइडेंटिफाई किया कि सबसे पहले साल इसको 20,000 डेप्रिसिएशन लगा, सेकंड ईयर में 16,000 का लगा और थर्ड ईयर में 6,400 का लगा। सो टोटल डेप्रिसिएशन इसमें कितना एक्यूमुलेट हुआ है इस एसेट के अगेंस्ट में? 42,400। हम इस 42,400 को यहां से हटा के एसेट डिस्पोजल अकाउंट में डाल देंगे, राइट? और साथ ही साथ इस साल इसका बाकी मशीन का डेप्रिसिएशन लगेगा, ये बिल्कुल नहीं भूलना है, राइट? मशीनरी अकाउंट में तो हमने कोई परचेज नहीं किया, बट जब इस साल के 31 मार्च 2022 का तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा बाकी एसेट में,
सो वो हमें याद से चार्ज करना है, कितना अमाउंट होगा इस 4 लाख का 20%, राइट। तो इज इक्वल टू 400000 मल्टीप्लाई बाय 0.2, ठीक है, इतना डेप्रिसिएशन लगा। टोटल कर लीजिए आप। सो यहां आएगा 31 मार्च 2022 टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, कितना अमाउंट आएगा बताइए। ₹1,94,000, ठीक है। सो हमने ये वाला अकाउंट भी बना लिया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन 80,000 चार्ज करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 31 मार्च 2022 को जो बैलेंस डेप्रिसिएशन है वो हमें चार्ज करना पड़ेगा बैलेंस एसेट का, जो हमने सेल नहीं की है, ठीक है। हमने कोई एसेट परचेज की थी क्या? बिल्कुल नहीं की थी। अगर की होती तो यहां भी एंट्री उसकी आती, ठीक है। चलिए 1 अप्रैल 2022 को उसका बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कर दीजिए, कितना है 1,94,000, ठीक है। ये हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना लिया। अब बनाना है एसेट डिस्पोजल अकाउंट। चलते हैं मशीनरी अकाउंट में। देखिए, एसेट डिस्पोजल मशीनरी के क्रेडिट साइड में एक एंट्री आई थी 1 लाख रुपए की। इसका मतलब है एसेट डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट साइड में एक एंट्री आई थी 1 लाख रुपए की टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। डेट है 1 अक्टूबर 2021 टू मशीनरी अकाउंट 1 लाख, राइट। और देखते हैं, अब मशीनरी अकाउंट में और कोई एसेट डिस्पोजल अकाउंट की एंट्री नहीं आई थी, बट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के डेबिट साइड में आई थी 42,400 की एंट्री। तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगी बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, वो भी सेम डेट में आएगी। ₹42,400, ठीक है। सो लॉजिकली हमने दिस दिस और दिस कवर कर लिया और 1 लाख कवर कर लिया। सेल प्रोसीड की एंट्री हमारी बाकी है। सेल प्रोसीड की एंट्री क्या होगी बताइए जरा। बैंक अकाउंट डेबिट, राइट, टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। इसका मतलब है एसेट डिस्पोजल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैंक, कितने अमाउंट से आएगा 80,000, राइट। इसका बैलेंस करके देखिए, इसका मतलब है क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, इसका मतलब आएगा एंट्री यहां पर टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, कितना 22,400, ये बैलेंस हो गया। सो प्रूफ एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी हमारा बन गया, राइट। समझ में आया? इसमें कोई इंपॉर्टेंट कैच नहीं था, जस्ट 1 अक्टूबर 2021 को हमने एसेट सेल किया था, इसीलिए पार्ट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, प्रोपोर्शनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया। और क्योंकि एसेट डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन करना था, हमने डेप्रिसिएशन गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, बैंक अकाउंट की एंट्री मशीनरी अकाउंट में नहीं क्रेडिट की। इंस्टीड ऑफ दैट हमने यहां से कॉस्ट उठा लिया, यहां से इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उठा लिया और इस एसेट डिस्पोजल अकाउंट में डाल दिया। जो बैलेंसिंग फिगर आई वो आ गई 22,400 गेन, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचता है डेप्रिसिएशन क्लास का, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज, ठीक है। चलिए इसे देखते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन पढ़िए। कैलकुलेट द मिसिंग वैल्यूज इन द फॉलोइंग मशीनरी अकाउंट, डिटरमाइन द मिसिंग वैल्यूज इफ डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इंपॉर्टेंट है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड।
क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो बहुत इंपॉर्टेंट होता, बस एक डेप्रिसिएशन की अमाउंट आती, हम हर साल लिख देते और हमारा ये जो फिगर है वो आइडेंटिफाइड हो जाता। छोटा सा कैच और है इसमें, 1 अक्टूबर 2020 को एक मशीन हमने सेल की है जिसकी वैल्यू 16,000 रुपये थी 1 जुलाई 2018 को। मीन्स ये 1 जुलाई 2018 है, हमने परचेज की थी 80,000 की, दो तीन मशीनरी या एक से ज्यादा मशीनरी, उसमें ये 16,000 भी शामिल है, राइट। सो हमको इस साल का प्रपोर्शनेट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो सोल्ड फॉर 10,000 रुपये। चलिए शुरू करते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है, बस दो कैच है इसमें। सो सबसे पहले देखते हैं डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2018-19, ठीक है। बताइए 80,000 में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा। सबसे पहले तो जुलाई में खरीदे हैं तो अप्रैल मई जून 3 महीने हट गए, 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा पूरे के पूरे 80,000 में, ठीक है। सो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 0.1 10% मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, 6,000 रुपीज। सो यहां पर आएगी 6,000 रुपीज। चलिए एक बार मैं इसको कॉपी कर लेता हूं ताकि हम बनाते भी जाएंगे, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो हमने ये पूरी यहां पर कॉपी कर ली है। चलिए अब यहीं से सॉल्व करते हैं। 1 जुलाई 2018 को हमने खरीदी थी 80,000 की मशीन। सो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा 80,000 में। सो मल्टीप्लाई बाय 0.10 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, 6,000 रुपीज। बैलेंस बताइए, 80,000 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 74,000। सो टोटल कर लीजिए इसका, राइट। सो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना होगा, 74,000, राइट। इस साल का डेप्रिसिएशन बताइए, इस साल तो पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा, और डेप्रिसिएशन का फॉर्म मेथड क्या है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो WDV में लगने वाला है। सो 74,000 में 10% लगेगा मल्टीप्लाई पर 0.1, करेक्ट। बैलेंस कितना बचा, 74,000 माइनस 7,400, 66,600, राइट। टोटल कितना होगा बताइए, समझ में आ रहा है, कोई कैच नहीं है इसमें। इस साल 9 महीने बचे थे एसेट परचेज करने के बाद, हमने 9 महीने यूज किया है मशीनरी को, इसीलिए इसमें हमने 9 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, राइट। बस बैलेंस कर दिया, इस साल तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। यहां पर ये जो 66,000 रुपीज है इसको हमको यहां पर कैरी फॉरवर्ड करना है, 66,600, ठीक है। अब बताइए बाय बैंक अकाउंट सेल, हमको कितना पैसा मिला सेल करने से, नहीं पता हमको, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, राइट। सो हमें सेल डेप्रिसिएशन और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी आइडेंटिफाई करना है। हमें क्या बैलेंस दिया है, इसके बाद हमें इसका फाइनल बैलेंस दिया हुआ है, इस साल 2021 का जो टोटल है यहाँ पर दिया हुआ है 66,600। इसका मतलब है यहां पर जो टोटल आने वाला है वो 66,600 आने वाला है, और यहां पर भी टोटल आने वाला है 66,600, ठीक है। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, अ पार्ट ऑफ मशीनरी वैल्यूड इन द बुक्स ऑफ फर्म एट 16,000 ऑन 1 जुलाई वॉज सोल्ड फॉर 10,000। इसका मतलब है यहां जो आने वाली है वैल्यू वो आने वाली है 10,000, करेक्ट। डेप्रिसिएशन हमको चार्ज करना है और लॉस हमको निकालना है, राइट। सो हमें ये पता है कि कॉस्ट ऑफ मशीन सोल्ड जो है वो है 16,000, राइट। ये कब की बात है, 1 जुलाई 2018 की, हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा फॉर 2018-19, कितने महीने के लिए चार्ज किया था हमने, 9 मंथ्स के लिए। दिस मल्टीप्लाई बाय 0.1, दिस मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12। सो 9 मंथ्स के लिए हमने 1200 डेप्रिसिएशन चार्ज किया। इसकी WDV कितनी बची थी, इस स्पेसिफिक मशीन की WDV थी
14,800। हमने अगेन डेप्रिसिएशन चार्ज किया 1920 में, बट इस बार हमने फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, दिस मल्टीप्लाई बाय 0.1। सो इसकी WDV मार्च 20 को कितनी बची? 1.1 राइट। और उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 2020-21 के लिए, हमने अक्टूबर में सेल किया 1 अक्टूबर को, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने का हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ठीक है। 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना आएगा बताइए जरा, दिस मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, 666। तो बुक वैल्यू ऑन सेल ऑफ एसेट कितनी होगी, बुक वैल्यू ऑन सेल ऑफ एसेट दिस माइनस दिस, करेक्ट। हमने सेल किया इसे 10,000 में, सो लॉस कितना हुआ हमको 2,654, वो लॉस यहां पर आएगा 2,654, करेक्ट। समझ में आई बात? हमने क्या किया, इस स्पेसिफिक मशीन जिसकी कॉस्ट 16,000 रुपए थी, क्या राइट है ये? हाँ बिल्कुल, उसको हमने 10,000 में सेल किया। सो हमने क्या किया, इस स्पेसिफिक मशीन की कॉस्ट लिखी, 18-19 का पार्ट डेप्रिसिएशन चार्ज किया 9 महीने का, फिर WDV निकाला, फिर उसके ऊपर पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज किया, फिर उसके ऊपर 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज किया। तो हमको ये समझ में आया, जिस दिन हमने सेल किया था उस दिन इसकी WDV थी या बुक वैल्यू थी 12,654 रुपए, उसको हमने बेच दिया 10,000 में, तो हमको 2,654 रुपए का लॉस हुआ, 2,654 का लॉस, राइट। और हमने इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज किया इस साल 666 रुपीज, बट बाकी एसेट जो बचती है उसमें भी तो डेप्रिसिएशन चार्ज किया। सो इसका मतलब है, वैसे तो आप यहां पर सीधा बैलेंसिंग फिगर ला सकते हो, करेक्ट। कैसे बैलेंसिंग फिगर आएगा देखते हैं, चलिए क्रॉस टैली करके देखते हैं कि क्या हमारा कैलकुलेशन सही है, दिस माइनस दिस। सो 50, सॉरी यहां पर एक बैलेंस कैरी फॉरवर्ड भी है, 31 मार्च 2020 बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, इसीलिए अब इसका बैलेंसिंग फिगर नहीं आ सकता, हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तब इसका जाके बैलेंसिंग फिगर आएगा। सो हमको ये पता है कि आउट ऑफ 66,600 इसकी जो WDV है, इस मशीन की WDV थी 13,320। सो बुक वैल्यू ऑफ टोटल एसेट मशीनरी एज ऑन 1 अप्रैल 2020 कितनी है बताइए जरा, ₹66,600 राइट, लेस बुक वैल्यू ऑफ सोल्ड, जिस मशीन को हमने सोल्ड किया सेल किया उसकी बुक वैल्यू थी 13,320, इसको हमने माइनस कर दिया, सो बुक वैल्यू ऑफ रिमेनिंग मशीनरी जो इस मशीन के अलावा जो भी मशीन है उसकी बुक वैल्यू कितनी थी दिस, ठीक है। सो इसमें डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा, ये हमको कैलकुलेशन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि इस बैलेंस में 53,280 में पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, जबकि हमने इस मशीन के लिए 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज किया था क्योंकि इसको हमने सेल कर दिया था, ठीक है। सो टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर दैट इज 2021-22 कितना होगा, इज इक्वल टू 5,328 प्लस 666 5,994, यहां आएगा 5,994। अब आएगा बैलेंसिंग फिगर आपका दिस माइनस दिस 47,952, ये हमारा है बैलेंस कैरी फॉरवर्ड।
जो कि इस यहां पर आएगा, फर्स्ट ये हमने पूरे का डेप्रिसिएशन चार्ज किया। ओके, या तो फिर इसको आप बायफरकेट भी कर सकते हो, फर्स्ट अप्रैल की जगह यहां पर दे दो, सॉरी ये वाली वैल्यू को मैं कर देता हूँ शिफ्ट ऊपर, यहां पर 31 मार्च 2020, यहां पर आएगा आपका 666 और यहां पर हमने कितना डेप्रिसिएशन निकाला हुआ है 5328, वो आ जाएगा यहां पर। वैल्यू उतनी आनी है, कोई फर्क नहीं पड़ना है, बस शो का तरीका अलग हो गया क्योंकि हमने यहां पर 1 अक्टूबर 2020 लिखा है, यहां पर डेप्रिसिएशन उस मशीन का आ रहा है जिसको हमने सेल की है और ये बाकी मशीनरी का डेप्रिसिएशन 5328। ठीक है, 1 अप्रैल 2021 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 47952। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 47952। राइट, यहां पर भी दिया हुआ है डेप्रिसिएशन अलग, हमने यहां पर एक साथ लिखा था, इसको अलग कर दिया। राइट, ये वाला समझ में आया, हमें क्यों इसको बायफरकेट करने की जरूरत पड़ी 66,600 को, क्योंकि जो मशीन सेल की है वो पार्ट ऑफ द ईयर में सेल है, इसलिए इसमें हाफ मंथ हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन लग रहा है, बट जो बैलेंस WDV थी, बैलेंस बुक वैल्यू था, उसमें फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगने वाला था, इसीलिए हमको ये वापस से कैलकुलेट करना पड़ा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है बट इजी है। राइट, इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए डेप्रिसिएशन चैप्टर के। आई होप आपको थ्योरी भी समझ में आई होगी और क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे। इन केस आपको क्वेश्चंस में कोई डाउट है, सो सबसे पहले एक बार थ्योरी क्लास देख लीजिएगा, क्योंकि हमने ये सारे टॉपिक थ्योरी क्लास में ऑलरेडी कवर कर लिए थे। फिर भी आपको अगर किसी क्वेश्चन में, थ्योरी में या फिर किसी कंसेप्ट में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसमें या फिर वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अकाउंटेंसी क्लास 11 का कोई और चैप्टर लेके। तब तक स्टडी वेल एंड स्टे वेल, गुड बाय।